नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हमारी आने वाली नई न्यूज वीडियो देख पाए सबसे पहले। बुधवार को शतिशा नक्षत्र और कुंभ राशि में चंद्रमा होने से आठ राशियों के लिए दिन शुभ है। मेष, वृष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, मकर और कुंभ राशि वालों को इसका फायदा मिलेगा। इनमें से पांच राशियों को धन लाभ और तीन को किस्मत का साथ मिलेगा। मानस योग बनने से सोचे हुए जरूरी काम पूरे हो जाएंगे। नौकरी और बिजनेस में तरक्की होगी। परेशान लोगों को भी राहत मिलेगी। इनके अलावा कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि वाले लोगों को संभल कर रहना होगा। मेष, पॉजिटिव, आप सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाएंगे। सामने आने वाले हर सवाल का सही जवाब भी दे सकेंगे। कामकाज आसानी से चलेगा। पुराने विवाद और टकराव भी खत्म हो जाएंगे। जो काम आज ही होना है उसे आप सफलता से निपटा लेंगे। सामने आने वाली हर स्थिति को आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। सिर्फ इच्छा शक्ति के दम पर आप लक्ष्य पूरा कर लेंगे। अपनी सफलता पर भी आपको गर्व होगा। किसी के साथ रिश्तों में भी बदलाव आ सकता है। दूसरों की मदद करने की खातिर थोड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहें। चंद्रमा गोचर कुंडली के लाभ भाव में रहेगा। आपके सोचने का तरीका आकर्षक रहेगा और काम करने का तरीका उससे भी ज्यादा अच्छा रहेगा। संपत्ति की खरीदी बिक्री की संभावना ज्यादा है। पैसों की वसूली के लिहाज से भी दिन अच्छा है। नेगेटिव, शारीरिक तौर पर सुस्ती महसूस होगी। आपको अपनी गलतियों पर अफसोस होगा। मेष राशि के लोगों को कुछ कामों में लोगों से सहयोग नहीं मिलेगा। इससे परेशानी होगी। क्या करें, किसी गरीब को पुराने कपड़े दान करें। लव, दिन अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ समय बीतेगा। करियर, अजनबी पर भरोसा न करें। आर्थिक स्थिति से मनोबल बढ़ेगा। स्टूडेंट्स को कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी होगी। हेल्थ, मानसिक तनाव भी रहेगा। भूख न लगने से परेशान रहेंगे। वृष, पॉजिटिव, कार्यक्षेत्र और बिजनेस में सहयोग मिलेगा। फायदा भी होगा। पैसों और करियर के क्षेत्र में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आप में मानसिक ऊर्जा भी बहुत रहेगी। इससे आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी। अपनी जानकारी बढ़ाने में भी आपको मदद मिलेगी। किसी भी परिस्थिति के लिए आप मानसिक तौर पर तैयार रहेंगे। आपको खुश होने के मौके मिलेंगे। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। दोस्तों के साथ भविष्य की योजनाओं और निवेश के बारे में सलाह ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा निवेश करने से आपको फायदा होगा। नेगेटिव, दिल की बात हर किसी से न कहें। कमजोरी भी महसूस करेंगे। फालतू खर्चा बढ़ेगा। दुश्मन आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। संभल कर दिन बिताएं। क्या करें, हल्दी का दूध पिए। लव पार्टनर से थोड़ी अनबन हो सकती है। वाणी पर संयम रखें। करियर, सोच समझ कर फैसले लेने पर फायदा होगा। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में न पड़ें। स्टूडेंट्स को मेहनत के अनुसार नतीजे मिलेंगे। हेल्थ, सेहत नासाज रहेगी। कमजोरी महसूस होगी। मसालेदार भोजन से बचें। मिथुन, पॉजिटिव, चंद्रमा गोचर कुंडली के किस्मत के घर में है। आपके काम पूरे होंगे। आप लगभग हर कोशिश में सफल रहेंगे। लोग आपकी ताकत और योग्यता से प्रभावित रहेंगे। करियर से जुड़ी चिंता भी आज खत्म हो सकती है। ऑफिस में मिले काम को साथियों में बांट दें। आज आप तनाव लेने से बचें। परिवार सहित कहीं जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। आपके कामों की तारीफ होगी। इनकम बढ़ सकती है। पद और मान सम्मान भी मिलेगा। संतान की ओर ध्यान देना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। नेगेटिव, ज्यादा भोजन से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अपनी बात कहने में आपको परेशानी महसूस होगी। आपका ध्यान लक्ष्य से भटक सकता है। यात्रा के योग हैं, लेकिन रुकावटों का सामना भी होगा। सेहत का ध्यान रखें। क्या करें, गाय को गुड़ खिलाएं। लव पार्टनर पर खर्चा ज्यादा हो सकता है। करियर, कार्यक्षेत्र और बिजनेस में बड़े बदलाव की संभावना है। स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। हेल्थ, एलर्जी या बदन दर्द से परेशानी होगी। संभल कर रहें। कर्क, पॉजिटिव, सफलता के लिए ये जरूरी बातें और स्थितियां आपके फेवर में होंगी। आपके नजरिए में बदलाव आ सकता है। नौकरी पेशा लोगों के सामने कोई नया ऑफर भी आ सकता है। इसमें जोखिम तो है, लेकिन सफलता मिल जाएगी। आपके मन में कई तरह के सवाल भी रहेंगे। दोस्तों के सहयोग से आपके काम पूरे होंगे। आपको अपने पारिवारिक माहौल के साथ तालमेल बैठाने में मदद मिलेगी। मन में नए विचार हैं और आप नई चुनौतियों के लिए तैयार रहेंगे। उन लोगों, स्थितियों और विचारों से दूर रहें जो आपके लिए रुकावट बन रहे हैं। नेगेटिव, कोई भी फैसला लेने में थोड़ा दबाव या तनाव महसूस कर सकते हैं। आज लिए गए फैसलों में सावधान रहना होगा। शेयर बाजार या जमीन संबंधित मामलों में निवेश किया है
तो इनको लेकर आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव हो सकता है। आज आप किसी भी तरह का नया कर्जा लेने से बचें। पैसों के मामलों में सावधान रहें। परेशानियों के साथ मेहनत भी ज्यादा रहेगी। क्या करें? मिट्टी के बर्तन के पानी से मुंह धोएं। लव प्रपोजल भेजने के लिए दिन शुभ है। पॉजिटिव नतीजे मिलेंगे। लव लाइफ अच्छी रहेगी। करियर बिजनेस में जोखिम भरे सौदे भूलकर भी न करें। कुछ भी नया काम न करें। स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। हेल्थ पुराने रोग भी खत्म होंगे। सेहत भी पहले से अच्छी रहेगी। सिंह पॉजिटिव दिन अच्छा है। चंद्रमा आपकी राशि के सामने रहेगा। भविष्य के लिए बड़ी योजना बनाएं और महत्वपूर्ण कदम उठाएं। कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आगे चलकर अच्छा खासा फायदा होगा। आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाएगी। आपको मिलने वाले प्रेम सम्मान और सुरक्षा में वृद्धि होगी। निजी संबंधों में गहराई आएगी। ऑफिस में आपके विचारों को अधिकारी बहुत गंभीरता से लेंगे। अच्छी खरीदारी भी कर सकते हैं। रोजमर्रा के काम पूरे होंगे। दिन अच्छा रहेगा। आज लिए गए ज्यादातर फैसले फायदेमंद रहेंगे। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले खुद को आने वाली मेहनत के लिए तैयार रखें। नेगेटिव चंद्रमा के अलावा दूसरे ग्रहों के कारण आपको मानसिक तनाव रहेगा। कुछ लोगों की वजह से आपका मूड खराब हो सकता है। लव लाइफ में खर्चा बढ़ेगा। पैसों से जुड़े कुछ मामलों में नुकसान का डर भी रहेगा। क्या करें? किसी पेड़ के नीचे एक रोटी रख दें। लव कामकाज में व्यस्त रहेंगे। पार्टनर को मनाने के लिए खर्चा करना होगा। करियर बिजनेस बढ़ाने के लिए आज फैसले ले लें। आपके लिए दिन अच्छा है। स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। पढ़ाई के मामलों में दिन अच्छा है। हेल्थ सेहत अच्छी रहेगी। मानसिक शांति मिलेगी। पुराने रोगों में आराम मिलेगा। कन्या पॉजिटिव जो भी काम हो उसे एक दूसरे के सहयोग से निपटाने की कोशिश करें। किया गया काम आगे चलकर बहुत फायदा दे सकता है। समझदारी से काम लेंगे तो दोस्त आपके लिए मददगार साबित होंगे। दोस्तों के साथ बातचीत में कुछ अच्छे विचार भी सामने आ सकते हैं। आपका भला चाहने वाला कोई आज आपको अचानक कोई गिफ्ट दे सकता है। काम पूरे होंगे। जिस विवाद का कोई हल नजर नहीं आ रहा था उसमें सफल होने का मौका मिलेगा। किसी काम की जिद ही आपको सफलता दिलवाएगी। नेगेटिव पैसा चाहे अपना हो या कंपनी का पैसे के मामले में किसी भी तरह का जोखिम न लें। बिजनेस के सौदों में पैसों की स्थिति साफ नहीं हो पाएगी। आज आप किसी विवाद में भी उलझ सकते हैं। आपके पास कामकाज भी बहुत रहेगा। कुछ लोग किसी न किसी तरह आपके काम में रुकावटें डालते रहेंगे। किसी के साथ फालतू बहस में न उलझें। दोस्तों और प्रेमीजनों के साथ संबंधों में भी काफी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपका ध्यान बंटेगा और समय भी खर्च होगा। किसी महत्वपूर्ण संबंध में अनबन की स्थिति बन सकती है। दुश्मनों से सावधान रहें। संतान को भी सेहत संबंधी परेशानी हो सकती है। क्या करें? कुछ भी खाने पीने के बाद थोड़ा पानी जरूर पिएं। लव पार्टनर भावुक रहेगा। पत्नी और बच्चों के साथ समय बीतेगा। करियर बिजनेस में सोच समझ कर फैसले लें। ऑफिस के विवाद में जीत होने के योग है लेकिन वाणी पर संयम रखें। स्टूडेंट्स को अच्छी खबर मिलने की संभावना है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को मानसिक थकान और परेशानी हो सकती है। हेल्थ दिन भर दौड़ धूप से थकान रहेगी। तुला पॉजिटिव दिन भर व्यस्तता रहेगी लेकिन इस कारण आप तरक्की करेंगे। आपके बनाए प्लान सक्सेसफुल रहेंगे। बिजनेस में फायदा होगा। दिन भर दिमाग में कई तरह के विचार चलते रहेंगे। विद्वानों के साथ लंबी चर्चा हो सकती है। भावनात्मक प्रगति आपके मन को संतुलित रखने में कारगर साबित हो सकती है। कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। उनको ध्यान से देखें समझें और उनका फायदा उठाने के बारे में सावधानी से योजना बनाएं। कुछ चीजें आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आप अपने खास कामों पर ही ध्यान दें। जो भी चीज आपके लिए रुकावट बनती है उसकी अनदेखी करके आगे बढ़ जाएं। धैर्य रखें। शौक पूरे करने की इच्छा तेज रहेगी। नेगेटिव आपको दूसरों की सहायता में काफी कोशिश और त्याग करना होगा। कुछ मामलों को लेकर मन में अस्पष्टता भी हो सकती है। भावनात्मक तौर पर कमजोरी महसूस होगी। खान पान में संयम रखें। कई दिनों से अटके या रुके हुए काम आज भी अधूरे रह सकते हैं। क्या करें? पूर्व दिशा में मुंह करके ओम सूर्याय नमः मंत्र बोलें। लव लाइफ की शुरुआत अच्छे तरीके से हो सकती है। प्यार के इजहार के लिए भी दिन अच्छा रहेगा। करियर कारोबार फायदेमंद रहेगा। नए सौदे फायदा देने वाले रहेंगे। स्टूडेंट्स कुछ नया करने की कोशिश करेंगे वो इसमें सफल भी हो जाएंगे। हेल्थ नींद की कमी और थकान महसूस होगी। ब्लड प्रेशर के मरीज सावधान रहें। वृश्चिक पॉजिटिव आपके लिए दिन ठीक ठीक होगा। अपनों का प्यार और साथ मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा।
किस्मत का साथ भी कुछ मामलों में मिलता रहेगा। घर परिवार को समय जरूर दें। कोई रहस्यपूर्ण बात आपके सामने आ सकती है। धैर्य से बातचीत करके किसी भी स्थिति का समाधान निकाल लेंगे। विवादों से दूर रहने की कोशिश करें। समय बीत जाएगा। आप किसी दोस्त की मदद भी कर सकते हैं। नेगेटिव, किसी न किसी तरह का डर आपके मन में रहेगा। कुछ काम अधूरे भी रह सकते हैं। काम पूरे न होने का एहसास भी आपको होगा। रोजमर्रा के काम जितने हों उतने ही होने दें। कुछ नया न करें। कोई नया फैसला लेने से बचें। सावधान रहना चाहिए। क्या करें? दुर्गा जी को मेहंदी चढ़ाएं। लव पार्टनर के साथ दिन बीतेगा। पुराने दिनों की याद ताजा हो जाएगी। प्रेम और सहयोग मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से सहयोग और पैसा मिलेगा। आगे बढ़ने का दिन है। किसी तरह का परीक्षा फॉर्म भी भर सकते हैं या इंटरव्यू का मन बना सकते हैं। हेल्थ सेहत अच्छी रहेगी। पुराने रोग खत्म होंगे। धनु पॉजिटिव, आप में कॉन्फिडेंस भी ज्यादा रहेगा। खुद का महत्व समझें और नौकरी में ही प्रमोशन के बारे में गहराई से विचार करें। अपने लिए कुछ नया और सकारात्मक करने का समय है। धन लाभ हो सकता है। कोई गिफ्ट भी मिल सकता है। परिवार के किसी व्यक्ति या अन्य करीबी व्यक्ति के बारे में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। रिश्तों को लेकर आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। परिवार के साथ बीता समय आनंददायक रहेगा। पैसों के जरूरी काम निपटा लें। किसी दोस्त से भी मदद मिल सकती है। पार्टनर के अनुसार ही चलना होगा। नेगेटिव, आज आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गलत फैसले भी ले सकते हैं। सावधान रहें। धनु राशि वालों को मेहनत ज्यादा करनी होगी। अपने स्वभाव में उग्रता न आने दें। सावधान रहें। क्या करें? 5 काजू खाएं। लव जीवनसाथी की तरक्की के योग बन रहे हैं। प्यार में सफलता भी मिल सकती है। मानसिक दबाव के बावजूद आप खुश रहेंगे। करियर, पूरे दिन सावधान रहना होगा। कारोबार बढ़ाने के मामले उठेंगे। पढ़ाई में मन नहीं लगने से परेशान रहेंगे। दोस्तों से भी विवाद हो सकता है। हेल्थ पेट दर्द हो सकता है। भोजन सावधानी से करें। मकर पॉजिटिव, आसपास का माहौल और आपका मूड दोनों बहुत व्यवहारिक रहेंगे। ज्यादातर बातों और हालातों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने में आप सफल रहेंगे। आप बहुत व्यस्त रहेंगे। नई चुनौतियां भी सामने आएंगी, उनके लिए तैयार रहें। हर तरह की स्थिति से निपटने में आप सक्षम रहेंगे। किसी खास काम के लिए आपको ऑफर मिल सकता है। धन लाभ होगा और आप अपनी बातों से किसी को भी सहमत कर लेंगे। दोस्तों की मदद मिलेगी। अचानक दिमाग में आने वाले आइडियाज पर आपको तुरंत एक्टिव होना पड़ेगा। नेगेटिव, काम धंधे और निजी मामलों में आपके तेवर आक्रामक हो सकते हैं। किसी का अपमान न करें। खुद पर कंट्रोल करें। भाग दौड़ भी ज्यादा रहेगी। क्या न करें? टमाटर न खाएं। लव पार्टनर से आपको आर्थिक सहयोग मिल सकता है। आपके संबंध भी मधुर होंगे। करियर, बिजनेस में प्रतिस्पर्धा से दूर रहें। लेन देन गुप्त रखें। कानून के क्षेत्र से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। हेल्थ, गले के रोग हो सकते हैं या पेट भी खराब हो सकता है। सावधान रहें। कुंभ पॉजिटिव, अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है। फायदा होगा। साथ के लोग आपकी तारीफ करेंगे। आपके लिए यह फायदेमंद रहेगा। कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते रहेंगे। चंद्रमा आपकी ही राशि में होगा। माता पिता का सहयोग मिलेगा। सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। नई जॉब या बिजनेस शुरू हो सकता है। पैसों के मामले में चला आ रहा दबाव खत्म होगा। परेशान लोगों को राहत मिल सकती है। आपके लिए ज्यादातर मामलों में दिन शुभ रहेगा। नेगेटिव, किसी पर उंगली न उठाएं। फैसले लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। आप थोड़े जिद्दी भी रहेंगे। कुछ बातों को लेकर आपके मन में डाउट रहेगा। भूल या गलती वाला मामला फिर से उठ सकता है। आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी। बहुत लंबी योजना के झमेले में न पड़ें। क्या न करें? किसी भी साधु संत का अपमान न करें। लव, आपका पार्टनर बिजी रहेगा। मतभेद हो सकते हैं। सोच अच्छी रखें तो संबंध भी मधुर हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। बिजनेस में जोखिम न लें, वरना कर्जा लेना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए मेहनत का समय है। हेल्थ सेहत अच्छी रहेगी। स्फूर्ति और ताजगी भी रहेगी। मीन पॉजिटिव, आपके लिए पैसों से जुड़ी स्थिति सामान्य रहेगी। किसी को नाराज किए बिना भी अपनी बात रख सकते हैं। थोड़ा बहुत साहस दिखाने और जोखिम लेने में संकोच न करें। मन लगाकर और धैर्य से काम करेंगे तो समस्याएं सुलझती जाएंगी। किसी भी हालत में समझौता करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। नए दोस्त बनेंगे। किसी दोस्त प्रेमी या जीवनसाथी के साथ ज्यादा समय बीतेगा। हंसी मजाक में समय बीतेगा। इससे आपका पुराना पैसा वापस मिल सकता है। नेगेटिव, बहस शुरू होने के पहले ही दूर हो जाएं।
बोलन और अपने विचार जाहिर करने में समस्या महसूस करेंगे। फालतू खर्चा हो सकता है। समय जैसे बीतता है, बीत जाने दे, बस किसी से फालतू न उलझें। दौड़ भाग भी ज्यादा रहेगी। यात्रा का योग बन रहा है। कुछ काम एक साथ सामने आ सकते हैं, इससे आप परेशान रहेंगे। क्या करें? तिल दान दें। लव दिन अच्छा रहेगा। परिवार में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। पार्टनर की बातों को गंभीरता से ले, वरना संबंधों में खटास आ सकती है। करियर बिजनेस में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स सावधान रहें, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण नुकसान हो सकता है। ध्यान रखें हेल्थ, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, मानसिक शांति मिलेगी। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो, यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।